16, पहला प्रश्न है 1 बटा अंडर रूट कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स प्लस ए, ये हमें फलन मिला है। हम समाकलन को i के बराबर मान लें, तो माना i बराबर है इंटीग्रल 1 बटा अंडर रूट कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स प्लस ए डीएक्स, ये हमने आई मान लिया। अब साइन एक्स प्लस ए, ये साइन ए प्लस बी का रूप है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो आई का मान कितना हो गया, इंटीग्रल 1 बटा अंडर रूट कॉस क्यूब एक्स एज इट इज है, इसको मैं क्या लिख दूं, साइन एक्स कॉस ए प्लस कॉस एक्स साइन ए इंटू डी एक्स। कॉस एक्स मैं यहां से कॉमन ले सकता हूं, कॉस एक्स इस कॉस क्यूब एक्स से गुणा होगा, कॉस रेस टू द पावर 4x बन जाएगा, तो ये हो गया 1 बटा अंडर रूट कॉस रेस टू द पावर 4x। कॉस एक्स मैंने इसमें से कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, यहां पे कॉस एक्स जब कॉमन लिया तो ये 10x हो जाएगा, कॉस एक्स जब कॉमन लिया तो यहां भाग लग रहा है, तो ये हो गया 10x कॉस ए प्लस कॉस एक्स कॉमन ले चुके हैं तो अब रह गया साइन ए डी एक्स, ये हमारा एज इट इज आ गया, साइन ए यहां आ गया, डीएक्स एज इट इज हमने ले लिया। अब देखो कॉस रेस टू द पावर 4x का अंडर रूट लेंगे तो ये होगा कॉस स्क्वायर एक्स, 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो मान कितना हो जाएगा, इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स बटा अंडर रूट 10x प्लस इंटू कॉस ए प्लस साइन ए इंटू डी एक्स, और इसको जो अंडर रूट के नीचे लिखा है इसको यदि मैं टी मान लूं तो टी बराबर मैंने क्या ले रहा हूं, 10x कॉस ए प्लस साइन ए, ये यदि मैं टी मानूं और दोनों पक्षों में अवकलन करूं तो 10x का क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स, अवकलन होता है sec स्क्वायर एक्स, कॉस ए एज इट इज है प्लस कॉस ए का साइन ए का हो गया 0, ए क्योंकि कांस्टेंट है, बराबर डी टी, डी एक्स बराबर डी टी, अर्थात सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान 1 बटा कॉस ए डी टी के बराबर है, ये जो कॉस ए है ये दूसरे पक्ष में वज्रगुणा में यहां हर में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब देखो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स मुझे यहां मिलता है, ये मान मुझे यहां मिलता है, तो आई का मान कितना हो गया, इसलिए आई बराबर इंटीग्रेशन 1 बटा कॉस ए डी टी, और ये मान कितना है, ये मैंने टी माना है तो अंडर रूट टी हो गया, अंडर रूट टी अर्थात टी की पावर 1/2, टी की पावर 1/2 अंडर रूट टी, ये हमने इस प्रकार से ले लिया। कॉस ए कांस्टेंट है तो 1/cos ए इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, टी की पावर -1/2 है तो टी की पावर -1/2 का क्या हो जाएगा, टी के सापेक्ष कर रहे हैं, टी की पावर -1/2 प्लस 1 बटे -1/2 प्लस 1 प्लस सी, 1/cos ए पुनः एज इट इज आ गया, -1/2 प्लस 1 1/2, ये 1/2 नीचे आएगा, 2 अब अर्थात अंश में चला जाएगा, तो 2 इंटू ये हो गया टी की पावर 1/2 अर्थात अंडर रूट में टी, और टी का मान हमने क्या लिया है, टी का मान हमारा ये है, इसलिए ये हो गया 10x cos a
प्लस साइन ए प्लस सी। तो हमारा अभिष्ट मान क्या हो गया आई का, 2/cos A इंटू अंडर रूट 10x cos A प्लस साइन ए प्लस सी। अब हम दूसरे प्रश्न को लेते हैं और इसको मिटाते हैं। दूसरे प्रश्न में पुनः हम समाकलन को i के बराबर मान लें, तो माना i बराबर है इंटीग्रल cos 2x - cos 2α / cos x - cos α dx। यहां cos 2x cos 2θ, हमारा फॉर्मूला क्या है, cos 2θ = 2cos²θ - 1। इस फॉर्मूले का यदि मैं उपयोग करूं तो i का मान हो गया इंटीग्रल 2cos²x - 1, ऐसा लिख सकता हूं। माइनस इसको भी हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 2cos²α - 1 / cos x - cos α dx। मैंने 2x को cos x के रूप में ले आया, cos 2α को cos α के रूप में ले आया त्रिकोणमिति के इस सूत्र से। अब यहां तो है ये माइनस का एक, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का एक हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो गए। 2 मैं कॉमन ले सकता हूं इन दोनों में से, तो 2 तो मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बच गया, cos²x - cos²α / cos x - cos α dx। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप है, गुणनखंड कर दे तो ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएंगे। 2cos x + cos α / cos x - cos α dx ऐसा आ गया। तो cos x - cos α से cos x - cos α कैंसिल हो गया। अब cos α जो है वो तो क्या है, कांस्टेंट होता है। cos x dx पहला देखें, cos x dx का क्या होता है, समाकलन हो गया sin x। तो ये दो तो हमारा बाहर है, पहला समाकलन क्या हो गया, cos x dx अर्थात sin x प्लस cos α कांस्टेंट है, तो cos α कांस्टेंट है, dx का कितना हो गया x प्लस c समाकलन का अचर है, अर्थात मान हो गया, व्यवस्थित कर लें, 2 ब्रैकेट में है sin x प्लस x cos α + c। ये हमारा अभिष्ट i का मान है।